हुई, संख्याओं के साथ खेलना, इसके पहले भी मैंने इसके दो वीडियो बनाए हैं तो आपने वह देखे होंगे। देखिए यहाँ पे संख्याओं के साथ खेलना, तो पहला प्रश्न है हमारा पुनर्खंड वृक्ष के आधार पर 60 और 90 ऐसे दिया है आपकी स्वापुस्तिका में। देखिए ऐसे वाला चित्र दिया है, आपको इसके गुणनखंड लिखने हैं 60 और 90। ओके, तो 60 कौन से पहाड़े में आते हैं, तो 15 चौक 60। अब 15 को डिवाइड करना है तो 3 5 15 और 4 का 2 गुना 2 2 गुना 4 हुआ। वैसे 90 का क्या करेंगे हम, 15 का पाड़ा बोलेंगे, दोनों में 15 के पाड़े में है तो 15 6 90। अब 15 को वापस ऐसे डिवाइड करेंगे 3 5 15 और इसको क्या डिवाइड करेंगे तो 2 3 6। अब इसको लिखते समय क्या करता है करना है, देखिए दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर ये हमने 60, तो 60 बराबर पहले लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 5 15 15 3 60 ये क्या हुआ इसके गुणनखंड। अब 90 की देखिए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब आप बोलेंगे यहाँ पे पहले 3 है यहाँ पे 5, आपने ऐसे कैसे लिखा, तो मैंने सिर्फ संख्या पहले 2 आती फिर 3 फिर 5 ऐसे लिख दिया है, तो 5 15 15 45 और 45 गुना 90 ये क्या हो गया 90 के गुणनखंड, ये हो गया हमारा जवाब। कितना सरल था ना, आप थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाओगे ना तो सरल भी लगेगा, तो आप इसको पहाड़ करके लिख सकते हैं फटाफट से। ओके चलो, अब यहाँ पे देखिए हमारा उदाहरण है कि दो टैंकरों में क्रमशः 650 लीटर और 520 लीटर डीजल है। अब है उसमें है, पर उस बर्तन के अधिकतम भारी का ज्ञात कीजिए जो इन दोनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा नाप देगा। उसकी धारिता हमें निकालनी है और पहले हमें क्या करना है, उनके गुणनखंड निकालना। 620 650 और 520। ओके चलो, हम 2 से करेंगे तो 2 3 6 2 2 4 और 2 5 10। अब इसको 2 से भाग नहीं जाता तो हम लेंगे 3 3 1 3, इसको जाता नहीं तो 3 से 20 को भाग नहीं जाता तो हम कौन सी संख्या लेंगे 5, क्योंकि हमें उसको पूरा भाग देना पड़ेगा। 5 6 30 बचे 2 तो यहाँ पे 2 तो ये हो गए 25, तो 5 5 फिर 5 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
उसमें किसी संख्या से भाग नहीं जाता है। अब यहाँ पे लेंगे हम दो, दो दुना चार, एक बचे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हो गया बारह, दो छक्के बारह और जीरो का जीरो। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए यहाँ पे देंगे हम वापस दो से भाग, दो एकदम दो, दो तीन बचे जीरो का जीरो, वापस लेंगे दो, दो छक्के बारह, एक बचा दो पंचे दस। अब परिसर को कौन सी संख्या से भाग जाता है? तो पांच, पहले तीन से जाएगा, तीन तीन गुना छह, तो तीन एकम तीन नहीं जाता है, पांच से जाएगा, पांच गुना पांच एकम पांच और एक बचा पांच दिया पंद्रह, और यहाँ पे तेरह को किसी संख्या से भाग में जाते हैं इसलिए तेरह। अब हमें क्या करना है, इनकी जो सामने वाली संख्या है वो यहाँ पे लिख ली, देखो दो गुना पांच गुना पांच गुना तेरह और दो गुना दो गुना दो गुना पांच गुना तेरह। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है, क्या करना है, कॉमन लेना है। देखिए यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, हमने लिखे दो गुणा यहाँ पे पांच यहाँ पे पांच, इसलिए हमने एक बार लिया पांच। अब यहाँ पे तेरह और यहाँ पे तेरह, अब इनकी जोड़ी है यहाँ पे नहीं है, इससे हमारा जवाब इसी में से निकलेगा, ये याद रखना है। तो यहाँ पे कितना होगा, हम ऐसे करेंगे
देखिए 2 × 13 पंजे 65, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 5 × 10 × 13 तो 13 × 9 = 130, तो 130 क्या हो गया उसका जवाब, तो 130 लीटर की धारिता वाला पोहा टैंकर होगा, 130 लीटर धारिता। समझ में आया? ओके बच्चों, यहाँ पे देखो और यहाँ इसकी प्रैक्टिस आप घर पे करना है। अब प्रश्न दिया है आगे वाला, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। प्रत्येक दशा में देखिए यहाँ पे हम लेंगे 2, तो 2 × 3 = 6, 15 वैसे के वैसे और 2 × 9 = 18। अब इसमें से किसी को 2 से भाग नहीं आता है तो हम लेंगे 3, ये देखो 3 × 3 = 15 और 3 × 3 = 9, वापस हम लेंगे 3, 3 = 1, यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, 5 वैसे के वैसे और 3 = 1। अब बचे 5, तो हम यहाँ पे 5 से भाग लेंगे, 5 = 5। ओके यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये संख्या लिखेंगे 2 × 3 × 3 × 5। अब इसको क्या करना है, तो गुणा करना है, लस निकालना है उसका, लस। तो अभी आगे देखेंगे, हम 5 × 3 = 15, 15 × 3 नहीं रुक जाओ मैंने की बता दू, 3 × 6 × 5 = 15। अब 15 × 6 = 15 = 90, ये क्या हो गया हमारा जवाब। अब आगे क्या पूछा गया है कि 5 से शेष रहे, भाग देने पर 5 शेष रहे, तो मतलब हमें क्या करना है, इसमें 90 में 5 मिलाने हैं, तो हमारा जवाब क्या आएगा 95। ओके ये हो गया हमारा जवाब। अब देखिए आगे वाला एक प्रश्न है, मैं वो आपको बता रही हूँ, देखिए ये गुणनखंड वाला मैं यहाँ पे मिटा देती हूँ थोड़ा सा, और फिर आगे वाला प्रश्न पढ़ती हूँ तब तक ये सूखने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे तब तक मैं आपको प्रश्न पढ़ के समझाती हूँ। देखिए प्रश्न है, किसी कमरे की लंबाई, अब कमरा है एक कमरा, फिर उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई फिर चौड़ाई और ऊंचाई इसका माप दिया है क्रमशः, क्रमशः मतलब एक के बाद एक से 525, 25, 735 सेमी और 945 सेमी। अब ऐसे सबसे लंबा फीता यानी टेप व्यक्त कीजिए, फीता मतलब टेप, मेजर टेप आता है ना, टेलर मापता है उससे कपड़े वाला मेजर टेप, ऐसे फीता यानी टेप ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं यानी परिमाणों को पूरा पूरा नाप सके। अब तीनों खूनों को यानी तीनों लाइन को नाप सके, इतना बड़ा फीता लाने के लिए कहा है, तो इतना बड़ा फीता उसकी क्या कितने मीटर लंबा होना चाहिए वो, तो हम उसका जवाब निकालेंगे। देखिए मैं यहाँ पे प्रश्न नहीं लिखती हूँ, ये 2 मिनट थोड़ा सा सूखने देते तब तक, 525, 735 और 945। अब इन तीनों का हमें क्या करना है, तो गुणनखंड निकालना है, जैसे हमने पहले निकाला ना, तो उसे क्या कहेंगे हम, लस। एक साथ निकालते हैं उसे मस। अब ये क्या है, लस, इसे क्या लिखा है यहाँ पे, इतना लिखना है लस, ये हमने क्या किया, एक साथ निकाला, एक साथ निकाला तो लस और अलग अलग निकालेंगे तो मस, महत्तम समापवर्त्य और लस मतलब लघुत्तम समापवर्त्य। अब देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ क्योंकि ये प्रश्न तो स्वपुस्तिका में आया है, तो आपको उसमें देख लेना है, 525, 735 और 945।
ओके चलो अब हम करेंगे इसका गुणनखंड निकालना। पहले करेंगे हम तीन से, तीन एकम तीन, दो बचे तीन से इक्कीस, एक बचा तीन बचे पंद्रह, फिर लिया हमने तीन, तीन से नहीं जाता है तो हमने लिए सात, सात एकम सात, सात तो नहीं चौदह और सात बचे पैतीस, पांच आठ बचे पच्चीस और ये एक। अब 735 में तीन, तीन गुना छ, तीन छम बारह, तीन जो बारह, एक बचा तीन बचे पंद्रह, वापस हमने लिया पांच, पांच चौबीस, पांच नौ पैतालीस, सात सात सत्तर पचास, सात सत्तर पचास और ये एक। अब 945 को लेंगे नौ, पांच पांच किया, पांच एकम पांच, यहाँ पे बचे चार, यहाँ पे आपको गुणनखंड ध्यान से करना है, पांच अठे चालीस बचे चार, पांच नौ फिर हमने लिए तीन, तीन बचे पंद्रह, तीन छ अठारह और तीन किया वापिस लिए तीन, तीन गुना छ और तीन एकम तीन, वापस लिए तीन, तीन सत्ते इक्कीस, सात एकम सात, ये हो गया हमारे गुणनखंड निकाल। अब हमें क्या लिखना है तो कॉमन लिखना है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए एकदम परफेक्शन के साथ पहले लिख लेना है फिर हम उसको कॉमन निकालेंगे। देखिए यहाँ से लिखना है, मन से नहीं लिखना है कुछ भी, तीन गुना सात गुना पांच गुना पांच, तीन गुना पांच गुना सात गुना सात, पांच गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन गुणा सात। अब कॉमन देखिए तीन तीन तीन, पांच पांच पांच, सात सात सात, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे तीन गुणा पांच गुणा सात, ओके। अब सात पंच पैतीस या पांच किया पंद्रह और पंद्रह से कितने होंगे 105, 105 और ये हमारा जवाब है। तो यहाँ पे क्या लिखना है 105 मीटर फीता, हमें कितना चाहिए 105 मीटर का फीता चाहिए तब जाके हमारा जवाब सही आएगा। ये आपको क्या करना है नोट में इसकी प्रैक्टिस करना है, ये आपको स्वाध्याय में लिखना नहीं है, स्वाध्याय में मैं लिखूंगी पीडीएफ आपको डालूंगी तभी आपको स्वाध्याय में लिखना है, ओके बच्चों। तो अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना, हमारे तीन पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ओके। आपको कहीं पे समझ में नहीं आए तो आप स्कूल में आके मुझसे मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, ओके बच्चों अपना ख्याल रखना, बाय बच्चों।